नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको रेनो का ट्राइबर गाड़ी का 2.5 साल का एक्सपीरियंस बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो गाड़ी है मैंने 2022 फरवरी में लिया था। गाड़ी को मैं खुद चला रहा हूँ और साफ सफाई भी मैं खुद कर रहा हूँ और गाड़ी को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा हूँ। आज मैं आपको इस गाड़ी के बारे में जैसे कि माइलेज, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और सब कुछ बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप शुरू से लास्ट तक मेरी ये वीडियो को देखते रहिए। चलिए अब गाड़ी देखते हैं। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि गाड़ी का वीडियो शूटिंग मैं खुद करता हूँ, इसलिए अगर मेरी कैमरा की तरफ से कोई हलचल हो जा रहा है तो मेरे को माफ़ कर देंगे। देखिए, मैं आपको गाड़ी का फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ। गाड़ी एकदम बढ़िया, एकदम अच्छी गाड़ी है। इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये गाड़ी को चलाने में बहुत कंफर्टेबल भी आता है, क्योंकि रेनो कंपनी इसको बहुत अच्छे से बनाए हैं और इसका ड्राइविंग सीट बहुत कंफर्टेबल बनाए हैं। स्टीयरिंग टिल्टिंग भी दिए हैं, स्टीयरिंग को आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आरामदायक ड्राइविंग के लिए। ये गाड़ी सेकेंड टॉप मॉडल वेरिएंट का है, मतलब रेनो कंपनी का जो RX-Z वाला मॉडल है उसका नीचे वाला मॉडल है। ये मॉडल का नाम है रेनो ट्राइबर RX-T मैनुअल। जैसे कि इसका दोनों मॉडल अभी आ रहा है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। मैं ऑटोमेटिक नहीं लिया हूँ, मैं मैनुअल लिया हूँ। मैनुअल इसीलिए लिया हूँ क्योंकि मैंने टैक्सी में यूज़ कर रहा हूँ, तो टैक्सी के लिए मैनुअल गियर अच्छा है। ऑटोमेटिक में थोड़ा माइलेज कम आता है, इसीलिए मैंने मैनुअल गियर वाला गाड़ी लिया हूँ। गाड़ी का परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया है। गाड़ी में 2.5 साल हुआ, नो मेंटेनेंस में चला रहा हूँ, मेंटेनेंस कुछ नहीं है। देखिए, इसका पीछे वाला हिस्सा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इसका पीछे वाला हिस्सा में 2 सीट अभी डाउन होकर पड़ा हुआ है और इसका नीचे वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह है स्टेपिन, जो कि स्पेयर टायर बोल रहे हैं। इसका स्पेयर टायर नीचे में रह रहा है और इसका स्पेयर टायर खोलने के लिए आपको यहाँ पे एक ठो नट दिया हुआ है। वो वाला नट को आप लोग ऊपर से लूज करेंगे तो नीचे में स्टेपिन ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और स्टेपिन आपको निकालने में तुरंत ही सहायक होगा। अब चलिए मैं आपको इसका जैक दिखा रहा हूँ। जैक मतलब आपका अगर कोई जगह में पंक्चर हो गया तो गाड़ी को आपको खड़ा करके कैसे टायर निकालना है और लगाना है, उसको जैक बोलते हैं। तो चलिए आज मैं जैक कहाँ पर रह रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैक को कंपनी एक ऐसी जगह पर रखे हैं जो नया ओनर गाड़ी लेते हैं या नया ड्राइवर वो दिख नहीं पाते हैं या गाड़ी ख़राब होने के टाइम में नहीं पाते हैं। तो आप लोग देखिए, जैक गाड़ी का जो मिडल वाला सीट है उसका एक बड़ा वाला सीट है जो राइट साइड में ड्राइवर सीट के पीछे है, उसका नीचे वाला हिस्सा में जैक रह रहा है। तो आप भी खुद झुककर आप देख सकते हैं। अभी चलिए हम लोग गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे। देखिए, गाड़ी का इंटीरियर रेनो कंपनी ने अच्छे से बनाए हैं और अति सुंदर से बनाए हैं। सेटिंग्स बहुत अच्छे हैं और इसका एक डिस्प्ले भी दिया है जो कि आप लोग ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। और डैशबोर्ड देखिए, डुअल टोन डैशबोर्ड दिए हैं, पॉलिश वाला एकदम फर्निश करके दिए हैं, अच्छा वाला स्टीयरिंग भी दिए हैं। स्टीयरिंग पकड़ने में भी बहुत कंफर्टेबल लगता है, गाड़ी चलाने के टाइम में स्टीयरिंग को पकड़ने में बहुत कंफर्ट लगता है। और देखिए, इसका जो मॉडल किया है, जो तीनों वाला मॉडल, इसका तीनों मॉडल है जैसे RX-L, RX-T और RX-Z। इसका RX-Z मॉडल जो है वो टॉप मॉडल है और इसका नीचे वाला हिस्सा मॉडल है RX-T, जो कि मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ ये गाड़ी में। देखिए, गाड़ी का AC का हिस्सा 3 रो में दिया है। देखिए, फ्रंट जैसे फ्रंट आपको डैशबोर्ड में मिलेगा और दूसरा वाला हिस्सा देखिए, मैंने इसको टॉवल ढक के रखा हूँ क्योंकि बहुत सारा डस्ट हो रहा है, तो डस्ट के हिसाब से स्विच कोई ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ढक के रखे हैं। देखिए, पीछे वाला AC का रेगुलेटर दिखाने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक छोटा वाला ग्लो बॉक्स दिखा रहा हूँ जिसमें आप लोग पानी बॉटल रख सकते हैं। इसको कूलिंग ग्लो बॉक्स नाम में जाना जाता है। जैसे कि और भी 2 ग्लो बॉक्स इसका डैशबोर्ड के अंदर फिटिंग है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, दोनों ग्लो बॉक्स में आपको दिखाया। चलिए, मैं आप लोगों को मिडल वाला हिस्सा में ले रहा हूँ। मिडल वाला सीट में देखिए, मिडल वाला सीट कैसे अच्छी तरह से बनाए हैं। एक बड़ा वाला सीट है और एक छोटा वाला सीट है जिसमें कि तीनों लोग आराम से बैठ सकते हैं
और यहाँ पे तीनों लोगों के लिए कंपनी ने एसी का सुविधा भी बनाया है, एसी का भेंट का सुविधा भी बनाया है। मैं जैसे कि बोल रहा था पहले कि पीछे वाला हिस्सा का एसी के लिए अलग वाला रेगुलेटर दिया है और अलग वाला पंखा भी दिए हैं, जो कि पीछे वाला हिस्से में आराम से लोगों को एसी का हवा पहुंचा सकता है और गर्मी का महसूस थोड़ा सा भी पता ही नहीं चलता है। अभी हम लोग पीछे वाला सीट में कैसे बैठते हैं यह मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं ये सीट को अभी फोल्डिंग करके अभी आपको पीछे वाला सीट दिखा रहा हूँ। पीछे वाला सीट मैंने डाउन करके रखा है, क्योंकि जब भी काम नहीं आता है तो सीट को मैंने कवर करके रख देता हूँ, क्योंकि डस्ट प्रॉब्लम के हिसाब से गाड़ी गंदा हो जाता है, इसलिए मैं टॉवल ढाँक के रखता हूँ। अभी चलिए हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं। पीछे की तरफ में देखिए, आप लोगों को जैसे कस्टमर को बैठने के लिए सुविधा दिए हैं और उनको गर्मी महसूस ना होने के लिए एसी का भेंट भी दिए हैं। देखिए, मैं जब भी ड्यूटी आता हूँ एसी का भेंट खुला रहता है, अगर ड्यूटी ख़त्म होने के बाद मैं तुरंत ही एसी का भेंट बंद कर देता हूँ, क्योंकि एसी भेंट के अंदर डस्ट घुसने के बाद कंडेंसर गंदा हो जाता है, इसीलिए एसी का भेंट तुरंत बंद कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों, इतना कम पैसा में इतना अच्छा सुविधा और कोई भी गाड़ी में नहीं मिलता है, तो ये गाड़ी इसीलिए मैंने चूज किया हूँ, बहुत अच्छा गाड़ी है। तो चलिए हम लोग पीछे का सीट का अरेंजमेंट देखते हैं। देखिए, मैंने फर्स्ट सीट उठा लिया हूँ, सेकंड सीट भी उठा लिया हूँ। ये आप लोग पीछे तरफ से डिक्की खोल के ही कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा डिक्की के साथ सेटिंग रहता है। देखिए, मैंने अभी सीट को फोल्डिंग कर दिया और उसका बाद मैं खुद ही गाड़ी के अंदर एंट्री कर रहा हूँ। देखिए, गाड़ी कितना आराम से एंट्री करने के लिए सुविधा भी दिए हैं। अभी मैं गाड़ी में आराम से बैठ गया। हाँ, गाड़ी में तीनों लोग भी पीछे में बैठ सकते हैं, लेकिन सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार दो लोग और मिडल में तीन लोग और आगे में दो लोग, इसको सेवन सीटर बोलते हैं। अभी देखिए, मैं आराम से गाड़ी से उतर रहा हूँ। गाड़ी में चढ़ना और उतरना बहुत आराम है और बैठना भी आरामदायक है, क्योंकि इतना छोटा गाड़ी में सात लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया फीचर्स दिया है गाड़ी में। अभी देखिए, मैं सीट को जैसे ही उठाया था, अभी सीट को वैसे ही डाउन कर दिया। देखिए, सीट अभी बराबर हो गया जैसे पहले था। जब भी कोई काम नहीं होता है तो सीट डाउन करके मैं इसको रख देता हूँ, ढककर टॉवल ढककर रख देता हूँ, ताकि डस्ट ना हो सके। अगर आपको कोई भारी चीज़ लेना है, जैसे देखिए सूटकेस वगैरह बहुत सारे हैं, तो आप ये सीट को खोल भी सकते हैं, खोल के आप लोग सामान ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 620 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। चलिए अभी हम लोग इंजन के बारे में बात करते हैं। देखिए, मेरा गाड़ी तो थोड़ा डस्टी हो गया है इंजन, क्योंकि 7-8 दिन हुआ सफाई नहीं हुआ है, और ये जो बारिश का महीना चल रहा है, बारिश का महीने में भी ऐसे भी गंदा हो जा रहा है गाड़ी। देखिए, ये इंजन जो है इसका 999 सीसी का इंजन है, जो कि 1.0 लीटर का इंजन है, स्मॉल इंजन है, बहुत छोटा वाला इंजन है। सेवन सीटर के हिसाब से इसका जो इंजन बनाया है कंपनी ने, इसको एनर्जी इंजन डाल के दिया है, क्योंकि इसको 7 जन लोडिंग होने के बाद इसको बहुत सारा टॉर्क लेना पड़ता है। तो टॉर्क कहाँ से होता है? एनर्जी देने से टॉर्क होता है। तो इसको कंपनी ने ऐसे बनाया है जो कि आप लोग 7 आदमी बैठने से इसका पिकअप ऑटोमेटिकली इंजन प्रोड्यूस करता है, जो कि आपको महसूस ही नहीं होगा पिकअप डाउन का। चलिए अब हम लोग इसका माइलेज के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसा कि सिटी माइलेज और हाईवे माइलेज में इसका डिफरेंस कितना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सिटी के अंदर ये गाड़ी 12 से 14 तक देता है, और आपको हाईवे में आपको ये 17, 18, कभी कभी 20 भी देता है। देखिए, माइलेज आपका ड्राइविंग के ऊपर ही आता है, क्योंकि इसका इंजन छोटा है। छोटा इंजन के हिसाब से आप इसको जैसे चलाएंगे, मतलब जैसे पिकअप देंगे, वो वैसे ही तेल खाएगा। अगर आप दबा के चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली तेल तो बहुत ही खर्चा होगा। तो चलिए अब हम माइलेज देखते हैं। मैं अभी एक ड्यूटी आया था जो कि भुवनेश्वर से 120 किलोमीटर रनिंग। देखिए, मैं आने के टाइम में खुर्दा से तेल डाला था, मतलब मेरी घर के डेस्टिनेशन से 30 किलोमीटर के बाद तेल डाला था, जो कि 1350 रुपया का, और वो था 13 लीटर समथिंग। गाड़ी में 5 लीटर 2 पॉइंट का तेल ख़त्म हुआ है और गाड़ी अभी 19.2 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है। देखिए, ये बढ़िया माइलेज दिया है। 6 लोग आए थे और उनका सामान भी था। नेशनल हाईवे में आया था, इसीलिए थोड़ा बहुत माइलेज अच्छा आया है, लेकिन टाउनशिप के अंदर अगर आप चलाएंगे तो 14-15 के अंदर आता है।
अब चलिए हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। रिटर्न तो नॉन एसी में जाएंगे, आए थे एसी में और जा रहे हैं मैं नॉन एसी में। आपको मैं भुवनेश्वर पहुंच के मैं आपको दिखाऊंगा कितना माइलेज आया है नॉन एसी में और कितना अप्रोक्सीमेट आया है एसी में। मैं आपको ये सब भुवनेश्वर के बाद पहुंचने के बाद आपको दिखाऊंगा। जाने से पहले मैं आपको और एक बात दिखा रहा हूँ। देखिए मेरा गाड़ी में कितना तेल अभी बचा हुआ है, ये मीटर बोर्ड डिस्प्ले कर रहा है। अभी देखिए रेंज 210 का दिखा रहा है, जैसे कि 19.2 जो दिखा रहा है मेरा मीटर बोर्ड में, उसी का हिसाब में एस्टिमेटेड 210 किलोमीटर्स मेरे को दिखा रहा है। तो ये रफ रोड अगर हम्प्स वम्प्स आता है तो कम से कम 190 तक भी चला आता है। तो चलिए हम लोग अब जाते हैं रिटर्न। भुवनेश्वर में पहुंच के कितना माइलेज दिखाता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं आकर भुवनेश्वर में पहुंच गया। देखिए मेरा फ्यूल अभी तक यूज हुआ है 10 लीटर 800 लगभग यूज हो गया है। अभी माइलेज देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, माइलेज कितना दिखा रहा है मैं आपको ये शो कर रहा हूँ। माइलेज देखिए अभी आया है 21.3 किलोमीटर पर लीटर। जैसे कि देखिए नॉन एसी में थोड़ा बहुत बढ़ गया और गाड़ी का स्पीड अप्रोक्सीमेट 70-80 या 75 के अंदर ही रहा। ये तो मेरे को अच्छा माइलेज दिखा रहा है गाड़ी। और अभी देखिए रेंज मेरे को 110 किलोमीटर का अभी भी दिखा रहा है। तो आप सोचिए गाड़ी नेशनल हाईवे में कैसा माइलेज दिखा रहा है और ड्राइविंग आप कैसे करेंगे, इसका हिसाब से आपको गाड़ी माइलेज देगा। अगर आप गाड़ी को दबा के चला रहे हैं, अगर आपका गाड़ी स्पीड चला रहे हैं जो कि 70 से ज़्यादा 80 से ज़्यादा, तो आपको ज़रूर तेल ज़्यादा खाएगा और माइलेज डाउन हो जाएगा गाड़ी का। इसीलिए गाड़ी को मैनुअल स्पीड में चलाइए, माइलेज अच्छा आएगा और गाड़ी का इंजन भी ड्राइविंग परफॉर्मेंस अच्छा देगा और इंजन का कंडीशन अच्छा रहेगा और गाड़ी का लॉन्जिविटी बढ़ जाएगा। अभी आप सोचिए कैसे गाड़ी चलाएंगे और गाड़ी का लॉन्जिविटी आप कैसे बढ़ाएंगे, ये मैं आपको ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। लास्ट में मैं सभी गाड़ी चालक भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से कुछ छोटा सा अनुरोध रखिए, जो कि ट्रैफिक नियम पालन कीजिए, सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए और गाड़ी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब फुलफिल करके रखिए और गाड़ी चलाने के टाइम में कोई नशा ना खाएं। और जैसे कि आप लोग रात में ड्राइविंग कर रहे हैं तो जहाँ पे आपको नींद आ रहे हैं तुरंत वहाँ का साइड में गाड़ी लगाकर आप थोड़ा रेस्ट कीजिए और गाड़ी को स्पीड लिमिट के अंदर चलाइए और आप और गाड़ी सुरक्षित रहिए। अगर आप लोग ये रूल्स फॉलो करते हैं तो गाड़ी और आप एकदम सुरक्षित रहेंगे और आपको और गाड़ी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। सेफ्टी के लिए ये रूल्स फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। आज का वीडियो इतने में ही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय जगन्नाथ।